वाराणसी में 25,000 महिलाओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा पहले कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, अब ये लड़के गलती करके दिखाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले दलितों के आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश में कांग्रेस, केजरीवाल का दोहरा चरित्र। आज दो राज्यों में पीएम मोदी की 3 रैली, यूपी के बस्ती, श्रावस्ती और दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मनीष सिसोदिया। आज पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। आज यूपी के पूर्वांचल में कई रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में रैली करेंगे। प्रतापगढ़ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाहरलाल नेहरू के फैसले को बताया ऐतिहासिक गलती, कहा अगर पाकिस्तान के साथ 3 दिन और युद्ध जारी रहता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को उनके बयान पर कांग्रेस ने घेरा, कहा संबित पात्रा का बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर साधा निशाना, कहा अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते पीएम, कहां है वो 20 करोड़ रोजगार और स्विस बैंक का पैसा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा प्रधानमंत्री के पास अब कुछ नहीं बचा, बीजेपी के लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा हर राज्य में बीजेपी की सीटें कम आने की खबर है, इंडिया गठबंधन 5 चरणों में आगे। बंगाल के मथुरापुर में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने की रैली, बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया, कहा बंगाल में 25 से 30 सीटें जीत रही है बीजेपी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में वासु स्वराज ने कहा दुशासन की तरह मुख्यमंत्री के सचिव ने स्वाति मालीवाल से अभद्रता की, सीएम हाउस से बेवक्त गिरफ्तारी को बताया शर्मनाक। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की आज झारखंड में 3 रैलियां, धनबाद और दुमका में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट के समन्स, 11 जून को हर हाल में पेश होने के आदेश। पंजाब के सीएम भगवंत मान का सुखबीर सिंह बादल पर हमला, कहा यह लोकसभा चुनाव बादल परिवार की राजनीति का अंत होगा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी राज में पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार से घिरा, मासूमों पर सरेआम अत्याचार हो रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का विपक्ष पर हमला, बोले ओडिशा में इस बार बीजेडी सरकार के अत्याचार का अंत होगा। ओडिशा के ढेंकानाल में नवीन पटनायक पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले भ्रष्ट सरकार ने ओडिशा को लूट लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर आचार्य सत्येन दास का पलटवार, कहा योगी आदित्यनाथ के काम और सफलता को देखकर सभी विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भाषण के दौरान शिवपाल यादव का मंच टूटा, हादसे में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुणे सड़क हादसा मामले में सियासत तेज, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर लगाया दोषियों को बचाने का आरोप। पुणे एक्सीडेंट केस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, बोले देश में न्याय भी दौलत की मोहताज। बीजेपी ने राहुल गांधी को दिया जवाब, आशीष शेलार ने सोशल साइट एक्स पर लिखा पुणे हादसे पर निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधान